नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अपनी सुरक्षा आपका ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हमारा सेफ रहना, हमारा सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ कुछ पढ़ने का काम भी करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोग को आज पढ़ाने वाली हूँ आपका तीसरा पार्ट, थर्ड लेसन, जिसका नाम है हमारे त्यौहार। त्यौहार मतलब फेस्टिवल। जब त्यौहार की बात आती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, जवान मतलब यंग, सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, सभी के चेहरे खिल उठते हैं, है ना ऐसी बात? क्योंकि सभी को इन त्योहारों के मौसम में नए कपड़े मिलते हैं, त्योहारों से संबंधित मीठी मीठी चीज़ें, स्वादिष्ट व्यंजन, डिशेस मिलते हैं, साथ ही उपहार मिलते हैं। तो इसलिए हम बहुत खुश होते हैं अपने त्योहारों को लेकर के। जहाँ तक डिशों के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होली का सबसे महत्वपूर्ण डिश है व्यंजन गुजिया और मालपुआ। वैसे ही ईद की मीठी सेवइयाँ और क्रिसमस के चील ललचाने वाले केक। अब बात है उपहारों की, तो उपहार में ईद पर्व का नाम आपने सुना ही होगा। ये इस पर्व में बड़े लोग अपने से छोटे बच्चों को ईदी देते हैं, जिनका उपयोग बच्चे अपने काम में करते हैं और बच्चे ईदी पाकर बहुत खुश होते हैं। दूसरा, क्रिसमस में सांता क्लॉज बच्चों को टॉफ़ी, उपहार और चॉकलेट देते हैं। तो ये तो हो गया कि हम क्यों खुश होते हैं अपने त्योहारों के नाम पर। अब चलिए हम पढ़ते हैं अपना लेसन आज का, हमारे त्योहार। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा तथा बोलियाँ बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार धर्मों पर आधारित होते हैं, तो कुछ अलग अलग मौसम में आने वाले फसलों पर। यानी बच्चों, हमारे देश में तीन तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। एक है राष्ट्रीय त्यौहार, जिसे पूरा देश मनाता है। दूसरा है धार्मिक त्यौहार, रिलीजियस फेस्टिवल, जिसे उस धर्मों से संबंधित लोग मनाते हैं। और तीसरा है हार्वेस्ट फेस्टिवल, जिसे हम कहते हैं फसलों पर आधारित त्यौहार। हिंदू धर्म को मानने वाले भारतीय बड़े उत्साह से होली, दिवाली, रक्षाबंधन तथा दशहरा जैसे पर्व मनाते हैं। होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जो जीवन में प्रेम और खुशियों के रंग बिखेरने का प्रतीक है, सिंबल है। बच्चों, होली के बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो अपनी प्रजा से यह कहता था कि तुम मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन उसका खुद का एक बेटा, जिसका नाम प्रहलाद था, वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने उसको तरह तरह की यातनाएं दी, उसे बहुत सारे पनिशमेंट दिए। जब इससे भी प्रहलाद नहीं सुधरा, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे यानी होलिका को यह वरदान मिला था कि वह जिस भी किसी आदमी को
अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी। भगवान से मिले हुए सॉल को लेकर वह उस सॉल के कारण वह तो नहीं जलेगी, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ बैठेगा आग में जलकर मर जाएगा। होलिका ने अपने भाई प्रहलाद की हिरण्यकश्यप की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर गई। लेकिन भगवान को, गॉड को कुछ और ही मंजूर था। वह सॉल होलिका के शरीर से उड़ करके और प्रहलाद के शरीर पे पड़ गया। प्रहलाद इस तरह से बच गया और होलिका जलकर मर गई। तो यह जो पर्व है होली, वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब हिंदू जो दूसरा पर्व मनाते हैं वह है दीपावली। दीपावली प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश पर्व मतलब फेस्टिवल ऑफ लाइट। यह जीवन से दुख और बुराइयों के अंधकार को मिटाकर ज्ञान, अच्छाइयाँ और प्रसन्नता के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है, सिंबल है। बच्चों, इस दीपावली के बारे में भी एक कहानी है कि इस दीपावली में भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के उपरांत अपने राज अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने इस दिन पूरी अयोध्या को तरह तरह के दियों से सजाया था। इसलिए आज भी हम दीपावली के दिन पूरे घर को सजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो यह हो गई दीपावली की बात। दीपावली की रात बहुत अंधेरी होती है और जब इस दीपावली में दिए जलाए जाते हैं तो पूरा ही घर, पूरा ही वो एरिया जहां हम दिया जलाते हैं, जगमग जगमग करने लगता है। अब दूसरा जो पर्व हमारे हिंदू मनाते हैं वह है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई, और यह एक भाई और बहनों का त्यौहार है। इसमें बहन भाई के हाथों पे, भाई के कलाई पे राखी बांधती है और बदले में भाई अपनी बहन का आजीवन रक्षा करने का वचन देता है। जैसा कि अभी आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से चीरहरण करते समय द्रौपदी के भगवान श्री कृष्ण ने उसकी साड़ी को बढ़ाया और दुशासन जो चीरहरण कर रहा था द्रौपदी का, वह तो थक गया, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण वह नहीं कर पाया। तो यही है रक्षाबंधन के पीछे छुपी हुई कहानी। और इस रक्षाबंधन पर में भाई अपने बहन के जी जान देकर भी रक्षा करने का वचन देता है। अब इसके बाद हिंदू जो पर्व मनाते हैं वह है दशहरा। दशहरा के दिन हम रावण और मेघनाथ के पुतलों को जलाकर अपने भीतर से अन्याय और दुर्गुणों को समाप्त करने की प्रेरणा लेते हैं। बच्चों, आपने रावण के बारे में सुना होगा। रावण एक बहुत ही महान पंडित था। उसे ज्ञान तो बहुत था, वह लेकिन वह राक्षस था। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसने सीता का हरण कर लिया था। वह सीता को लेकर अपने लंका नगरी में चला गया था। वहाँ से राम इस दशहरे के दिन ही उसका वध करके और सीता को छुड़ाकर वापस लाए थे। इसलिए यह दशहरा का पर्व मनाया जाता है और आज भी लोग इस दिन रावण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं। ये तो रहा हिंदू धर्म की बात। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान भाई वर्ष में दो बार ईद का पर्व मनाते हैं। एक बार ईद उल फितर, जिसमें वे पहले रोजे रखते हैं। ईद के दिन वे सब ईदगाह जाकर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलकर बड़े प्रेम से ईद मुबारक कहते हैं। सब लोग घर में मज़े से मीठी सिवैया खाते हैं।
बच्चों एक बार मैं समझाती हूँ ईद क्यों मनाते हैं और इसके में क्या करते हैं। ईद मुसलमानों का त्यौहार है और इसमें इस क्यों मनाते हैं ईद। ईद कुरान शरीफ जो धार्मिक ग्रंथ है, जो होली बुक है, इसकी उत्पत्ति ओरिजिन की खुशी में ईद मनाया जाता है। इस ईद को मनाते समय मुसलमान भाई एक महीने का रोज़ा रखते हैं, जिसे रमजान का महीना कहते हैं, और जब एक महीने पूरे हो जाते हैं तब वे चांद देखकर इस ईद व्रत को और रमजान का महीना उनका समाप्त हो जाता है और तब वे मॉस्क जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और वहाँ जाकर के वे एक दूसरे नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और उन्हें ईद मुबारक कहते हैं। इस ईद की इस ईद में सबके यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बनता है जिसका नाम है सिवई। यह मीठी होती है। दूसरा जो त्यौहार है वह ईद उल जुहा कहलाती है। इमाम हुसैन अली और उनके साथियों के बलिदान की याद में यह मनाया जाता है। इसमें बकरी की कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं सिख धर्म को मानने वाले किस धर्म को मनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सिख धर्म वाले सिख धर्म को मानने वाले अपने सभी 10 गुरुओं के जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गुरु नानक के जन्मदिन को गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन गुरुद्वारों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। शब्द कीर्तन यानी प्रेयर होता है। अच्छे अच्छे उपदेश दिए जाते हैं और सिख मंदिर गुरुद्वारे में जाकर के माथा टेकते हैं, सर झुका करके अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार ईसाई लोग भी ईसा मसीह के जन्मदिन को, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसे क्रिसमस भी कहा जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को चॉकलेट, टॉफियां और प्यारे प्यारे उपहार बांटते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और इसे वे एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये तो हो गई धार्मिक त्यौहारों की बात। अब हम आते हैं फसलों पर आधारित त्यौहारों के बारे में जानते हैं। इन सब के साथ साथ अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलों पर आधारित त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओनम, उत्तर भारत पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बैसाखी। ये सभी त्यौहार फसलों की कटाई के समय ही मनाए जाते हैं। ये सभी त्यौहार हमारे जीवन में प्रसन्नता, उत्साह और एकता का संदेश लाते हैं, यानी हमें मिलजुल कर रहने की सीख देते हैं। तो बच्चों, देखा आपने कि हमारे देश में कैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। हम सभी आपस में मिलकर, हमारी जाति, धर्म और भाषा अलग है, फिर भी हम सारे एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, एक दूसरे के त्यौहारों में जाते हैं और बड़ी खुशी के साथ अपना त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार साल में एक बार आता है और हम बहुत दिनों से इसकी ताक में रहते हैं कि कब हमारा त्यौहार आने वाला है। बच्चों, इस पाठ में जो नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं उसे आप ध्यान से पढ़ें, याद करें और इस पाठ को पढ़ें। धन्यवाद।